हेलो फ्रेंड्स, सिस्टर कुक में आपका स्वागत है और आज हम बनाएंगे कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी। कढ़ी हम सबकी मोस्ट फेवरेट हुआ करती है और आज हम आपको एक परफेक्ट कढ़ी बनाने का बैटर और पकौड़ी का बैटर आपको बताएंगे और जिस टेक्निक से बताएंगे आप उसी को फॉलो अगर करेंगे तो आपकी कढ़ी और पकौड़ा दोनों ही बहुत अच्छी बनेंगी। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं अपनी कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और अपने कमेंट हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। इज़ी टू कुक चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इज़ी टू कुक चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन का बटन लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। कढ़ी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ले लिया है छाछ, जिसको हम मट्ठा भी बोलते हैं और लस्सी भी बोलते हैं। ये वो छाछ है जो मक्खन निकालने के बाद जो बच जाता है। आज हम अपनी कढ़ी इसी के साथ बनाएंगे और ये लगभग 1 लीटर है। अब हम एक ऐसा खाली बर्तन ले लेंगे और थोड़ा बड़ा सा बर्तन लेंगे। इसके अंदर हम 50 ग्राम ये बेसन है ये डाल देंगे। अब हम इसके अंदर लगभग इतनी, आप देख सकते हैं ये 1/2 चम्मच है, ये हल्दी पाउडर डाल देंगे। लगभग 1 टीस्पून के हम धनिया पाउडर डाल देंगे और 1/2 टीस्पून के लगभग लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। और अब हम अपनी इस करछी से, ये एक करछी, और थोड़ी सी हम और ले लेंगे और इसका अब हम एक बैटर बना लेंगे। जो हमारा ये मट्ठा है जिसको हम छाछ भी बोलते हैं, वो धीरे धीरे इसमें डालेंगे जिससे कि हमारा जो ये बैटर है इसमें एक भी गुठली ना रहे, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और हमने फ्रेंड्स जो यहाँ पर मट्ठा लिया है वो थोड़ा खट्टा लिया है। कढ़ी फ्रेंड्स थोड़ी खट्टी ही अच्छी लगती है, इसीलिए हमने जो अपनी जो छाछ थी इसको हमने रात भर बाहर ही रखा है और ये खट्टी हो गई है। 2 करछी हमने और डाल लिया है, एक बार फिर से भी अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बस देखिए हमारा ये बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर ये जो हमारा मट्ठा है इसको हम सारा डाल देंगे इस तरीके से और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। एक बात का और ध्यान रखिएगा, कढ़ी बनाते वक्त आप जो बेसन की क्वांटिटी होती है उसको हमेशा कम रखना चाहिए। ये देखिए हमारा ये बेसन का जो बैटर है, जो कढ़ी का जो बैटर है, ये हमने बनाकर तैयार कर लिया है। बेसन के जो हम आपसे बात कर रहे थे फ्रेंड्स, अगर आप इसमें बेसन ज़्यादा डालेंगे तो आपकी कढ़ी एकदम ही थिक हो जाएगी जो कि अच्छी नहीं लगेगी और केवल बेसन बेसन का ही स्वाद आएगा। तो हमारा कढ़ी का बैटर तो बनकर तैयार हो गया है, तो चलिए अब हम अपने कढ़ी के पकौड़े का भी बैटर बना लेते हैं। कढ़ी के पकौड़े बनाने के लिए हमने ले लिया है एक बॉल और उसके अंदर हम 50 ग्राम बेसन फिर से डाल देंगे और इसके अंदर हम थोड़ा सा ये नमक डालेंगे। ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, बस 1/2 टीस्पून के लगभग हम इसमें नमक डाल देंगे और बिल्कुल थोड़ी सी, लगभग 2 चुटकी हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और बिल्कुल थोड़ी सी ही, ये देखिए इतनी सी ही हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और लगभग 1 चम्मच इतना हमने ये ऑयल डाल लेना है बस। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी लीजिएगा और इसका हम बैटर बनाएंगे। जो इसका हम घोल बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा ना तो गाढ़ा होगा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होगा, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका बैटर बनाते जाएंगे। ये देखिए अब ये थोड़ा थोड़ा पतला होना शुरू हो गया है हमारा बैटर, थोड़ा सा पानी हम इसमें और डालेंगे, इतना पानी और डाल दिया है। और अब हम इसको बहुत अच्छी तरीके से बीट करेंगे। आप जितनी इसको बीट करेंगे फ्रेंड, जितना इसको आप फेटेंगे आपकी कढ़ी की पकौड़ी उतनी ही सॉफ्ट बनेगी। और अपने हाथ से ही इसको बीट कीजिएगा, बहुत अच्छी बीट होती है। अगर आप पकौड़े के बैटर की कंसिस्टेंसी देखें तो वो इस तरीके की होनी चाहिए, ये देखिए इस तरीके की। इसको फिर से हम बीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो पकौड़ियों का बैटर है ये बनकर रेडी हो गया है और हमने इसको लगभग 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरीके से फेट भी लिया है और हमारा जो ये बैटर है ये बहुत ज़्यादा फ्लफी भी हो गया है। लेकिन आपका ये बैटर पकौड़ी के लिए तैयार हुआ है या नहीं हुआ, इसका सबसे अच्छा तरीका है
आप एक ऐसा पानी का बोल ले लीजिए और उसके अंदर बस केवल ये एक ड्रॉप इसके अंदर डाल दीजिए इस तरीके से। ये देखिए ये ऊपर आ गई है, इट मीन्स हमारा ये बैटर तैयार हो गया है पकौड़ी के लिए। तो अब हमारा कढ़ी का बैटर भी तैयार हो गया है और हमारा पकौड़ी का भी बैटर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक बड़ा सा भिगोना रख लिया है और उसके अंदर हमने एक सर्विंग स्पून सरसों का तेल डालकर अच्छे से हमने उसको गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर ये चार लौंग है, दो चुटकी हींग है और हाफ टी स्पून हमारा ये मेथी है, ये सब हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको चला लेंगे। बस हल्का ब्राउन ही करेंगे हम मेथी को। बस हमारी मेथी हल्की ब्राउन हो गई है। अब हम इसके अंदर अपना ये कढ़ी वाला बैटर डाल देंगे, एक बार चला देंगे। गैस की फ्लेम को अब हम फुल रखेंगे। अब हम इसके अंदर लगभग एक गिलास पानी भी डाल देंगे और इसको हम जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता है तब तक हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम को फुल ही रखेंगे। हमने इसके अंदर जो ये लौंग डाला है या हींग डाला है, जो मेथी डाला है, इसका जो हमने छौंक लगाया है, इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स, कई लोगों को कढ़ी खाने के बाद गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अगर आप इसको डालकर इसका छौंक लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। टेस्टी भी लगती है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ये देखिए अब इसमें पहला उबाल आ गया है इस तरीके से। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम टू स्लो रखेंगे बस। और अब हम इसको लगभग जब तक आधी नहीं हो जाएगी जब तक हम इसको पकाते रहेंगे और बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे। कढ़ी का तो मजा जभी है जब कढ़ी हमारी बहुत देर तक पके, क्योंकि कढ़ी जो है जितनी पकती है उतनी ही टेस्टी लगती है। अब हम फ्रेंड्स अपने जो गैस की फ्लेम है उसको हम बिल्कुल मीडियम टू स्लो कर देंगे और इतने हमारी ये कढ़ी पकेगी, इतने हम अपने कढ़ी के लिए पकौड़े बना लेते हैं। हमने यहाँ पर पकौड़े बनाने के लिए सरसों का तेल डाल लिया है अपनी कढ़ाई में और उसको स्मोक पॉइंट तक हमने इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस को हमने अभी बंद कर दिया है, लेकिन अब हम अपनी गैस को दोबारा से खोल लेते हैं और गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम अपनी पकौड़ियों को बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अपने हाथों को हल्का सा गीला कर लेंगे, एक बार इसको अच्छे से बीट कर लेंगे इस तरीके से दोबारा से। और अब हम एक काम ही करते हैं फ्रेंड्स, अपने गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देते हैं क्योंकि हमारा जो ऑयल है वो बहुत अच्छे से गर्म है। तो चलिए अब हम छोटी छोटी सी पकौड़ी बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए हम अपनी पकौड़ी जैसे बना रहे हैं, ये जैसे हम डाल रहे हैं वैसी वैसी ये ऊपर आ रही है, क्योंकि तेल भी हमारा बहुत गर्म है और हमने जो अपना ये बेसन जो इसका बीट किया है पकौड़ी का, वो भी बहुत अच्छे से बीट किया हुआ है। और पकौड़ी छोटी इसलिए भी बनाइएगा क्योंकि जब ये कढ़ी के अंदर डालते हैं तो ये बहुत ज्यादा फूल जाती है। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल तेज कर देंगे और इसको अलट पलट कर लेंगे और इसको हल्का गोल्डन ब्राउन हम इसको तल लेंगे और बीच बीच में अपनी कढ़ी को भी हम चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स हम जब खट्टे मट्ठे की या खट्टे छाछ की हम कढ़ी बनाते हैं तो उसकी जो खुशबू आती है वो बहुत बढ़िया आती है। अब हमारी कढ़ी की पकौड़ियां बन गई हैं, अब हम इनको निकाल देंगे। ये देखिए हमने बस इतनी ही इन पकौड़ियों को लाल करना था और अब बाकी बचे हुए बेसन के बैटर से भी हम ऐसे ही पकौड़ियां बना लेंगे। ये देखिए हमारी पकौड़ी भी बनकर तैयार हो गई है और हमारी कढ़ी भी पक पक कर आधी हो गई है। लगभग हमने इस कढ़ी को 20 मिनट हमने इसको बिल्कुल स्लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाया है। अब हम अपनी ये जो पकौड़ियां हैं ये इसके अंदर डाल देंगे और दोबारा से इसको लगभग 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अब हम फिर से पका लेंगे और बीच बीच में इसको चलाते भी रहेंगे। और एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपको इस स्टेज पर नमक टेस्ट करना है कि आपका नमक इसमें कम तो नहीं रह गया, तो आप इस स्टेज पर नमक थोड़ा डाल सकते हैं। लगभग 7 से 8 मिनट हो गए हैं, हमारी कढ़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है, जो हमने पकौड़ी डाली थी वो भी फूल गई है और अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें तो ये इस तरीके की होनी चाहिए। ये देखिए
इस तरीके की। गैस को हम बंद कर देंगे और अपनी कढ़ी को हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि हम इसका एक बहुत बढ़िया सा तड़का भी तैयार करेंगे जो हम ऊपर से डालेंगे। अपना एक स्पेशल तड़का बनाने के लिए हमने एक छौंका पैन रख लिया है और उसके अंदर हमने 2 छोटे चम्मच देसी घी के डाले हैं, यानी कि क्लेरिफाइड बटर के डाले हैं। अब हम इसके अंदर सबसे पहले थोड़ा सा हम हींग डालेंगे दोबारा से। लगभग 2 चुटकी हींग है, थोड़ा सा भुन जाए जरा। फ्रेंड्स, कढ़ी में हींग की बहुत बढ़िया खुशबू आती है, इसलिए हम ऊपर से भी इसमें हींग डालते हैं। ये देखिए हमारा हींग अब भुन रहा है। अब हम इसके अंदर ये 2 सूखी हुई लाल मिर्ची है ये भी डाल देंगे और इसको बस 1 से 2 मिनट के लिए हम चला लेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स हींग की। आपने ये देखा भी होगा कि हमने अपनी कढ़ी बिना लहसुन और बिना प्याज के बनाई है। बस हमारी जो ये लाल मिर्ची है ये भी बहुत अच्छे तरीके से भुन गई है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसके अंदर हम थोड़ी सी अपनी, लगभग इतनी, ये 1/4 टीस्पून से भी थोड़ी कम है, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1/4 टीस्पून हमारी ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये भी डाल देंगे। गैस को बंद कर दिया है चम्मच से हिलाकर। अब हम इस चॉप को अपने सर्विंग बाउल के अंदर डाल देंगे। हमने अपनी कढ़ी भी एक सर्विंग बाउल में निकाल ली है और जो हमारा ये तड़का जो हमने तैयार किया है वो इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से ये, और जो 2 सूखी लाल मिर्ची है इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए आप कढ़ी को स्टीम राइस के साथ खाइए, फुलके के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, ये सबके साथ बहुत बढ़िया लगती है। यहाँ तक कि जो ये गरम गरम कचौड़ी भी बनती है, जो बेडमी कचौड़ी हम बनाते हैं उसके साथ भी बहुत बढ़िया लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और इजी टू कुक चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।